इन दिस वीडियो मैंने लिया एक लग्जरी क्रूज हेलसिंकी फिनलैंड से स्टॉकहोम स्वीडन तक का एंड मैंने बुक कराए दो डिफरेंट कमरे, एक 7,000 रुपए नाइट का एंड दूसरा 1,00,000 रुपए नाइट का, जस्ट टू शो यू गाइस द एक्सपीरियंस. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड बिकॉज इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. What's up guys and welcome back to another vlog. अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हमारी यहाँ हेलसिंकी फिनलैंड से लंदन की फ्लाइट छूट गई थी, तो इसके लिए हमने यहाँ से आज शाम को क्रूज कराई है स्टॉकहोम स्वीडन की. वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट वापस फ्लाइट लूँगा पोलैंड की एंड आज मैं आपको पूरा क्रूज का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ. पर्सनली मैंने भी यूरोप में कभी क्रूज नहीं लिया है, बट उससे पहले अभी हमारे पास 3-4 घंटे हैं यहाँ हेलसिंकी में घूमने के लिए, तो थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करते हैं. दिन में एक बार भी मैं हेलसिंकी नहीं आया, जितनी बार भी मैं आया हूँ हमेशा रात को था जिस टाइम पर सब कुछ बंद होता था. तो अभी थोड़ा बहुत हेलसिंकी घूमते हैं, फिर यहाँ से यहाँ के पोर्ट चलेंगे. डायरेक्ट क्रूज़ लेनी है स्टॉकहोम स्वीडन की, 15 घंटे की क्रूज़ है एंड आई विल शेयर एवरी सिंगल थिंग विद यू. एंड आप यार यहाँ वेदर देखो, हेलसिंकी में इतना शिटी वेदर है, सुबह से स्नोफॉल हो रही है. मतलब अब 3-4 दिन में इतनी स्नोफॉल देख ली कि अब और बिल्कुल मन नहीं है. होपफुली स्टॉकहोम में सनी वेदर है. तो कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले, क्या ढूंढ रहे तूने? कुछ सेमोलिना है उसका नाम, आइलैंड है ना? आइलैंड का नहीं है. तो ये पास में हेलसिंकी के, मतलब यहाँ से क्रूज़ चलती है, मेन वाली नहीं, ये फेरी होती है सिर्फ 15-20 मिनट की. तो पहले नियर बाय आइलैंड एक्सप्लोर करके आते हैं. हमें वहाँ पर लैपलैंड में कपल मिला था इंडियन, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था, वो भी यहाँ पर पहले हेलसिंकी आए थे. तो देख के आते हैं क्या चीज़ है. उसके बाद आई थिंक थोड़ा बहुत बस सेंटर जाके लंच करेंगे, फिर अपनी क्रूज़ पकड़नी है मेन वाली. मतलब दिन में भी बिल्कुल डेड सिटी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था हेलसिंकी से. शायद ये वाली क्रूज़ लेके जाना है, बट हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है. इतनी ठंड है यहाँ पे कि शोर पे सी का पानी तक जम गया. ये मैं आपको बता रहा था कि शोर पे सी भी जम गई, इतना ठंडा पानी है. भाई सोना लेके इसमें कूदने में मज़ा आएगा. जो चीज़ हमारे साथ नॉर्वे में हुई थी वही सेम चीज़ हुई, इस आइलैंड पे आ तो गए बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, कुछ लग ही नहीं रहा. सिर्फ पिक्चर्स में देखने में अच्छा लग रहा था बट स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो भी कुछ नहीं दिख रहा. तो यार वापस ही चलते हैं, थोड़ा बहुत इंडियन खाना खाते हैं. इंडियन नहीं खाया इतने टाइम से. भाई कुछ नहीं है, इंडियन खाना खाते हैं आराम से बैठ के. 120 पे क्रूज है उस साइड से. 120 पे है ना? हाँ. अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:40. अलग ही कंट्री है ये फिनलैंड. बर्फ़ बहुत बार देखी है बट इतनी इस लेवल पे कभी नहीं देखी. रेस्टोरेंट में खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है. वी आर एट दी मोनाल इंडियन क्यूजीन रेस्टोरेंट एंड यार यहाँ मुझे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, फिनलैंड नॉर्वे में, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ये पानी फ्री सर्व करते हैं. आई नो इंडिया में तो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है बट यहाँ यूरोप में कॉमन नहीं है. अगर आप जर्मनी पोलैंड कहीं भी जाओगे तो पानी हमेशा पेड होता है 2-3 यूरो का. तो इस रेस्टोरेंट में इनके पास अला कार्ट एंड बुफे दोनों है एंड बुफे सिर्फ 11 यूरो का था, तो हमने सोचा बुफे ही ले लें. काफ़ी सारी चीज़ें हैं बुफे में भी. तो सबसे पहले मैं थोड़े से दाल चावल लाया हूँ, बड़ा टाइम हो गया दाल चावल खाए. पूरा बुफे वहाँ पर लगा हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. कैसा लगा खाना? खाना सही था, मज़ा आया. हाँ बढ़िया था यार, मतलब 11 यूरो में हेलसिंकी के हिसाब से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. सब कुछ इंक्लूडेड था, कॉफी टी सब कुछ ही था, मतलब सैलड कॉफी टी राइस नान 2-3 सब्जियां, तो उसके हिसाब से बहुत वर्थ इट लगा. भाई स्नोफॉल अलग ही हो रही है, ऐसी स्नोफॉल तो कहीं नहीं, ये इतना मोटा फ्लेक. सो गाइस दिस इज हाउ द क्रूज लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड एंड हमारा स्वीट आई थिंक यहाँ पे कहीं पे होगा. अभी क्रूज़ पे अंदर जाके आपको पूरा क्रूज़ दिखाता हूँ डिटेल में एंड आज सारी चीज़ें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, दैट इफ़ यू विल टेक दिस क्रूज़ व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस. सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट टुडे स्पॉन्सर epidemicsound.com.
अगर आप मेरा चैनल मतलब काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आई यूज़ ऑल ऑफ माई म्यूजिक फ्रॉम एपिडेमिक साउंड. दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स. तो गाइज, आपने भी अगर अभी अपना चैनल स्टार्ट किया, चाहे फिर वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एंड यू नीड रियली हाई क्वालिटी एंड गुड म्यूजिक, आई विल हाईली रिकमेंड epidemicsound.com. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यू कैन चेक इट आउट. अगर आप मेरी लिंक से साइन अप करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ 30-day फ्री ट्रायल. उसमें आप कितना भी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ इफ इट्स फॉर यू और नॉट. एंड जो भी आप म्यूजिक इस ट्रायल पीरियड के विद इन डाउनलोड करोगे, यू कैन स्टिल मोनेटाइज दैट म्यूजिक. दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम. मैं डे वन से एपिडेमिक साउंड का म्यूजिक यूज कर रहा हूँ फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो. सो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक दम आउट. एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू द वीडियो. सो ये है क्रूज का बोर्डिंग पास. एंड मतलब क्रूज के पास देखो सब कुछ जमा हुआ है, इतनी मोटी मोटी सिलियाँ हैं बर्फ की. तो वी आर फाइनली ऑन बोर्ड. एंड मैं आपको पूरा क्रूज़ दिखा देता हूँ. ये सबसे मेन डेक है, 7th फ्लोर जो पूरे क्रूज़ का, जहाँ पर सारे रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, कसिनो, बार्स, पब्स, क्लब सब कुछ है इसमें क्रूज़ में. तो रूम दिखाने से पहले आपको पूरा क्रूज़ दिखाता हूँ. एक बार क्रूज़ की बालकनी में आए थे देखने. एंड आप ये देखो, यहाँ से मैं आपको सबसे बेस्ट दिखा सकता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था. पहली बार ज़िंदगी में देखिए कि सी जम गया. भाई क्रूज़ चलेगा कैसे इस पर? ये है यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर ये लाइव म्यूजिक चल रहा है, ये पूरा प्रोमिनाड है यहाँ पे. एंड ये है यहाँ पे टैक्स फ्री सुपर स्टोर, ये भी आपको अभी दिखाऊंगा. बहुत बड़ा है ये, बिल्कुल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री जैसा है. यहाँ से है सी व्यू लाउंज, शो बार एंड कैसीनो. मतलब यार क्रूज़ के हिसाब से काफ़ी सही कैसीनो है. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट यहाँ पर ये सारी स्लॉट मशीन्स हैं. अभी रात को हम पक्का खेलेंगे कैसीनो थोड़ी देर. देन आई थिंक यहाँ पर ये मिनी आर्केड है बच्चों के लिए, थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह. एंड वहाँ पे आगे एक रोलेट की और एक ब्लैक जैक की टेबल भी है. अभी इन्होंने बंद करी हुई है, अभी आई थिंक थोड़ी देर में ये ओपन करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली रात को. सो ये है रोलेट की टेबल, पीछे आई गेस पोकर एंड ये ब्लैक जैक है. ये है यहाँ का शो बार एरिया. ये जो आप सामने स्टेज देख रहे हो, सारे शो यहीं पे होंगे रात को. बहुत सारे शो होते हैं, एक्रोबैट शो, डांस शोज, फिर रात को प्रॉपर सिंगिंग चलती है लाइव. एंड ये है इनका सी व्यू लाउंज, इसके सामने इनका पूरा ये बार है, तो आप आराम से ड्रिंक पी सकते हो सी व्यू के साथ. ये बिल्कुल फ्रंट में है क्रूज के, सामने पूरा सी व्यू है. दिस इज द होल लाउंज. सो यार बहुत ही बढ़िया एंड लग्जोरियस क्रूज है. एंड ये मैंने आपको अभी दिखाया ही था प्रोमिनार एरिया, स्टार लाइट से बिल्कुल सीधा जाके. अब मैं आपको सारे स्टोर वगैरह दिखा देता हूँ जो जो यहाँ पर है. यहाँ पे भी ये स्लॉट मशीन्स हैं एंड काफ़ी सारे इवन लग्जरी रेस्टोरेंट्स हैं चूज़ करने के लिए क्रूज़ में. आई थिंक ये कोई इटालियन रेस्टोरेंट है. देन यू हैव अ जापानीज रेस्टोरेंट, टॉमी हिलफिगर. दिस इज़ द प्रोमिनेट बार. हर एक बंदा ऑलरेडी ड्रिंक पी रहा है. आई थिंक दिस इज़ वन मोर बार. पीछे सी व्यू बार था एंड यहाँ पे ये एक और बार है. ये क्रूज़ का बिल्कुल बैक है. सो यू कैन सी इट्स टोटली पैक्ड. ये तो मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत पार्ट दिखाया क्रूज़ का, क्योंकि एक बार हम सबसे पहले जकूजी के लिए जा रहे हैं, वो 8:30 बंद हो जाएगा एंड रात को वैसे ही मज़ा नहीं आता. ये है क्रूज का जकूजी एंड टोटल क्रूज पे 3 जकूजी हैं, एक यहाँ पे ये मिडल में है, इन्हें एक उधर बनाया हुआ है. एंड ये इनका बार है यहाँ पर विद जकूजी, साथ में स्टीम बाथ एंड वहाँ पे अंदर जाके सोना भी है. अब थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करेंगे. तो क्रूज पे टोटल 12 फ्लोर है. 2, 3, 4 पे सारी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह पार्क होती हैं जो लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं. देन 6th पे आई थिंक सबसे चीपेस्ट कैबिन है जिनमें विंडोज वगैरह नहीं होती. 7th पे यू हैव प्रोमिनेंट जो मैंने आपको अभी दिखाया. देन 8th, 9th, 10th पे सारे रूम्स हैं, जो मेन सारे स्वीट्स हैं वो 9th एंड 11th पे हैं. हमारा रूम है 9th फ्लोर पे. एंड देन 12th पे आपका सन डेक, सनफ्लावर ओएसिस जहाँ जकूजी हैं. एंड उसके अलावा एक न्यूयॉर्क क्लब है जहाँ कैरियोके होता है, वो भी मैं आपको रात को दिखाऊंगा. सो दिस इज द होल मैप ऑफ द शिप.
डिसेंट रूम है, दो एक बेड यहाँ पर है, एक बेड यहाँ से आ जाएगा एंड साथ में वी हैव ए वेरी नाइस सी व्यू। एंड ये जो आप सारी विंडो देख रहे हो ये सारे प्रोमिनेंट कैबिन है, इनके पास सी व्यू नहीं है। अब मैं आपको हमारा स्वीट दिखाता हूँ, द रूम नंबर इज 9194, इट्स ए जूनियर स्वीट। लेट मी शो यू, लुक एट दिस, वाओ। सो ये है यहाँ का लिविंग रूम, साथ में यू हैव क्लोजेट, यहाँ पर सारी बाथरोब्स, स्लीपर्स, जैकेट वगैरह टांगने के लिए स्पेस। आई थिंक दिस इज वन वॉशरूम, तो एक वॉशरूम इधर है स्वीट में। दिस इज द मेन बेडरूम, मतलब क्रूज पे इतना बड़ा रूम होना यही बहुत बड़ी बात है एंड इट्स सो लग्जूरियस। दिस इज द होल बेडरूम, देन यू हैव अनदर वॉशरूम हियर। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर हॉट टब है इफ यू वांट टू रिलैक्स। ये पूरा मेन लिविंग रूम है, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल, यहाँ पर आप आराम से बैठ के डिनर वगैरह कर सकते हो। देन यू ऑल्सो हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री मिनी बार, तो अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो मिनी बार पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है। यू हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, आई थिंक दिस इज स्पार्कलिंग वाइन, साथ में पानी, यहाँ पे थोड़ा बहुत और सामान है ऊपर। जस्ट लुक एट हाउ बिग दिस प्लेस इज, बट सीरियसली गाइस दिस इज सो सो नाइस, मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आई रियली थैंक द क्रूज कंपनी फॉर होस्टिंग मी। एंड अब मैं आपको ये टैक्स फ्री सुपर स्टोर दिखा देता हूँ, मतलब अगर आप क्रूज़ पे आ रहे हो एंड आप कुछ सामान ड्रिंक्स वगैरह भूल जाओ तो ये इतना बड़ा स्टोर है। एंड आई थिंक अल्कोहल के लिए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, उसके अलावा चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, इवन कपड़े, तो अगर आप क्रूज़ पे कुछ भूल भी जाओ आराम से यहाँ सुपर स्टोर आके ले सकते हो। इस वाली ग्लेन फिडिज का प्राइस देखो 2890 यूरो, अराउंड 2.5 लाख की बोतल है ये, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव विस्कीज देखी है लाइफ में, बट भाई 2.5 लाख की बोतल पहली बार देखी है। नाउ दिस इज ऑल परफ्यूम, यहाँ पे कंपैरेटिवली चीपर प्राइसेस होंगे बिकॉज इट्स टैक्स फ्री। सो वैसे तो क्रूज में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं बट हमारा डिनर है यहाँ के ग्रैंड बुफे में, तो आपको यहाँ का पूरा ग्रैंड बुफे भी दिखाता हूँ कि डिनर कैसा होता है। तो अब मैं आपको पूरा बुफे दिखा देता हूँ, घुसते ही सबसे पहले ये सारा स्वीट सेक्शन है, यू हैव टार्ट्स, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी चीज केक, तिरामिसु, different flavors of ice cream, waffle cone, brownie, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुफे है। आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ी बहुत ग्रीक सैलड की चीज़ें हैं, ये पूरा सैलड स्टेशन है, मतलब आप किसी भी टाइप की सैलड बना सकते हो यहाँ पर। आई थिंक ये सारा सी फूड है, कैवियर, यहाँ पर सारी इन्होंने ये डिफरेंट टाइप की चीज़ रखी हुई हैं एंड क्रैकर्स, ये सारा आई थिंक किड सेक्शन है, फ्रेंच फ्राइज, सॉसेज, मीट बॉल्स वगैरह, यहाँ पे सारी टी कॉफ़ी वगैरह है। एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि बुफे में आपके पास ओपन टैप है बियर का एंड ये वाइट वाइन एंड रेड वाइन, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स तो है ही ऑब्वियसली, एंड आई थिंक ये सारे फ्रेश जूसेज हैं। भाई कितने जीत गए? 26 यूरोस, देखो मजा आ गया यार, कैसीनो में अभी रोलेट खेल के निकले हैं, कुछ तो जीते 26 यूरो।
कल रात को तो हम थोड़े बहुत शोज़ वगैरह देख के एंड कैसीनो वगैरह खेल के सो गए थे एंड इसे नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले डेक पे व्यू देखने। आज बढ़िया धूप निकली हुई है यहाँ स्वीडन में। वी आर ऑन स्वीडिश वाटर, सभी मतलब 41 मिनट में स्टॉकहोम पहुँच जाएंगे। सो ये इनका मेन सन डेक है। इतनी बढ़िया धूप है आज, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। कल इतना ज़्यादा क्लाउडी था तो ऊपर आने का बिल्कुल मज़ा नहीं था। क्रूज से चेकआउट कर लिया है एंड अब चलते हैं स्टॉकहोम के सेंटर एक्सप्लोर करने। सो सेंटर जाने के लिए हमने ये 24 आवर पास ले लिया है यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि इसके बाद और भी घूमना है एंड ये हमें पड़ा 1500 रुपये का। सो लगेज स्टोर कर दिया है यहाँ सेंट्रल स्टेशन पे, बहुत ही ईजिली हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं हेलसिंकी फिनलैंड से कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर है। वहाँ पर अराउंड -9 था एंड यहाँ पे आई थिंक अराउंड 4-5 डिग्री होगा, तो बहुत ही प्लेजेंट एंड ऊपर से धूप निकली हुई है एंड फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया लग रही है सिटी। मुझे हेलसिंकी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था जाके, बट यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट अभी मेन ओल्ड टाउन जाके देखते हैं यहाँ का। यहाँ स्टॉकहोम में आई गेस कोई मेन एक सेंटर नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे ऐसे ये स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पे एंड इसके पीछे इनका मेन कैथीड्रल है, वो भी आपको दिखाता हूँ, बट लुक्स वेरी वेरी नाइस। ये सेंटर के पास आई थिंक इनकी ये मेन टूरिस्ट की स्ट्रीट है, हर जगह खाने पीने की दुकानें, सुविनियर्स, बहुत सही लग रहा है यार। मतलब काफ़ी सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कैपिटल विजिट करी हमने, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल, हेलसिंकी फिनलैंड की, बट इन तीनों में से अगर मैं सिर्फ कैपिटल कंपेयर करूँ तो स्टॉकहोम इज़ द बेस्ट। तो हमारे पास इतना ही टाइम था आज घूमने के लिए, सिर्फ सेंटर एक्सप्लोर करना था थोड़ा बहुत स्टॉकहोम का, क्योंकि अब 3 घंटे बाद वापस पोलैंड की फ्लाइट है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरी फिनलैंड की सीरीज़ पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। I'll see you guys in the next vlog.